रिसेंट रिलीज़ हुआ बेल बॉटम की टीज़र लेके काफ़ी चर्चा हो रहा है दोस्तों। और सबसे चौंकाने वाली बात तो वो था कि लारा दत्त को ट्रांसफॉर्मेशन करके इंदिरा गांधी बनाया गया है, ये तो लोगों को पता भी नहीं था। और लारा दत्त के पापा इंदिरा गांधी का पर्सनल पायलट था। हाँ दोस्तों, ऐसे ही उन्होंने कहा। लारा दत्त उनका अपकमिंग प्रोजेक्ट बेल बॉटम मूवी के अंदर इंदिरा गांधी की कैरेक्टर प्ले किया है एंड उनका एक्टिंग लेके तो दर्शक काफ़ी एक्साइटेड है। बहुत दिन बाद लारा दत्त इसी मूवी के माध्यम से बॉलीवुड में फिर से कमबैक कर रहे हैं। एंड ये मूवी रिलेटेड बात करते करते उन्होंने एक इंटरव्यू में बताया कि उनका पापा इंदिरा गांधी का पर्सनल पायलट था एंड इसीलिए इंदिरा गांधी का कैरेक्टर प्ले करने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं फेस करना पड़ा। जब बेल बॉटम की ट्रेलर रिलीज हुआ था ज़्यादातर दर्शक को तो पता भी नहीं था कि वो लारा दत्त का फेस है। बाद में जब रिवील किया गया था कि वो प्रोस्थेटिक मेकअप करके लारा दत्त की लुक चेंज किया गया है, दर्शक तो चौंक गया था। मैं खुद जब ट्रेलर देखा था मुझे भी नहीं पता चला था कि वो लारा दत्त है। एंड पिंक विला की एक इंटरव्यू के दौरान उन्होंने बात किया है ये मूवी का जर्नी लेके। उन्होंने बताया कि हर रोज़ 3 घंटे से भी ज़्यादा उनको मेकअप लेना पड़ता था एंड शूटिंग कम्प्लीट होने के बाद 1 घंटा लगता था वो मेकअप उठाने के लिए। लारा दत्त ने और भी बताया कि उन्होंने एक मुख्यमंत्री इंदिरा गांधी को रिलेट कर पाया एंड इंटरव्यू के बीच में उन्होंने बताया कि इंदिरा गांधी का पर्सनल पायलट था उनका पापा, विंग कमांडर एलके दत्त इंदिरा गांधी का पर्सनल पायलट था। लारा ने बचपन से इंदिरा गांधी के बारे में सुनकर ही बरी हुआ है और इसीलिए उन्होंने बहुत ही अच्छा से इंदिरा गांधी को रिलेट कर पाते हैं। ये लुक लेके कुछ बड़े फैशन डिजाइनर मेकअप आर्टिस्ट को प्रॉब्लम भी फेस करने के बाद सामने आया है, जैसे हेयर स्टाइलिस्ट सपना भवानी को अच्छा नहीं लगा ये लुक। उन्होंने कहा कि वो प्रोस्थेटिक मेकअप के अंदर जो चीज़ें यूज़ किया गया है वो बहुत ही लो प्राइस का है। वेल दोस्तों, आपका क्या लगता है कि ये लारा दत्त की कमबैक एंड टर्निंग मूवी हो सकता है, क्योंकि उन्होंने एक बहुत ही अच्छा वाइटल कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं ये मूवी के अंदर? बता दीजिए आपका रिएक्शन नीचे कमेंट सेक्शन में। और ऐसे ही चैनल के साथ बने रहना, देखते रहना फिल्मी गाय। टेक केयर, बाय बाय।